मध्य प्रदेश का बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला अब पुलिस की जांच के दायरे से और आगे बढ़कर इनकम टैक्स के दरवाजे तक पहुंच गया है। पहले इस मामले में श्वेता जैन जिस मामले की आरोपी थी उसकी पेशी हुई और बाद में आरती दयाल की भी। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है, एबीपी अनकट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रहे हनी ट्रैप मामले की। हनी ट्रैप यानी कि रसूखदार लोगों को हुस्न के जाल में फंसाकर उनकी सब्सिडी बनाकर उनसे पैसे वसूलने का खेल। मध्य प्रदेश में ये मामला लंबे समय से चल रहा था, मगर मामला प्रकाश में तब आया जब एक बेहद सीनियर आईएएस ऑफिसर की सब्सिडी बाजार में आई। इसके बाद सरकार सतर्क हुई, पुलिस को जांच के आदेश दिए गए और 3 महीने पहले भोपाल में कुछ घरों में जब छापे मारे गए तो पता लगा कि कुछ महिलाओं के द्वारा ये रैकेट बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था, जिसमें शामिल थे बेहद बड़े बड़े नाम। इन महिलाओं के घर से बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव बरामद हुए, साथ ही बेहद नकदी और बहुत सारी गाड़ियां भी। इस मामले में जब नए नए नाम सामने आने लगे तो पुलिस ने इस मामले की जांच SIT को सौंप दी और SIT ने इस मामले की जांच अब बेहद गोपनीय तरीके से कर रही है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नामों का खुलासा नहीं हो रहा। मगर कुछ दिनों पहले SIT ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल की उससे पता लगा कि इस मामले में जो महिलाएं रैकेट चला रही थी उसमें बड़े नेताओं को, बड़े अफसरों को, व्यापारियों को ट्रैप किया जा रहा था, उनसे संबंध बनाए जा रहे थे, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा था, उनकी सब्सिडी बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये धंधा भोपाल से निकलकर इंदौर, जयपुर और छत्तीसगढ़ के रायपुर तक फैला हुआ था। व्यापारी लोग भी इस पूरे मामले में शामिल थे और इन महिलाओं की मदद कर रहे थे भोपाल के कुछ पत्रकार भी। मगर इन महिलाओं से जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर इनके अकाउंट्स में जो नगद राशि मिली है उसको लेकर इनकम टैक्स सामने आई और इनकम टैक्स ने कोर्ट की मदद से इन महिलाओं को पेशी के लिए बुलाया है। पहले इस मामले में भोपाल के इनकम टैक्स दफ्तर में पेशी पे आई श्वेता जैन। श्वेता जैन ने चलते चलते मीडिया से कहा कि इस मामले में मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी और जेल से निकलने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा करूंगी। निश्चित ही ये वो बयान है जिससे बहुत लोगों के चेहरे की रंगत तो उड़ी गई होगी। देखना यह है कि श्वेता जैन जेल से कब छूटेंगी और कब इस मामले का खुलासा करेंगी। श्वेता जैन के बाद इस मामले में इनकम टैक्स ने आरती दयाल को बुलाया। आरती दयाल भी इस पूरे मामले में आरोपी है और इसके बाद नंबर आएगा एक और श्वेता जैन, जो भोपाल की बड़ी रसूखदार परिवार से जुड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि जिसके बहुत बड़े अफसरों से संबंध रहे हैं। तो निश्चित ही अब देखना यह है कि पुलिस की जाँच के दायरे से निकल के जब ये मामला इनकम टैक्स के दायरे की जाँच के दायरे में आया है तो इसमें और क्या नए नामों का खुलासा होता है, कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और जांच का दायरा और आगे कितना बड़ा बढ़ता है और इस मामले में और किन नामों का खुलासा होता है और किन चेहरों से नकाब हटता है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।